हजारों साल पहले जब ग्राउंडन एंड कायोगर आपस में बैटल कर रहे थे ग्राउंडन वाटर को लेके, तब उन्होंने पूरे अर्थ पर डिस्ट्रक्शन मचा दी थी। उन पोकेमॉन्स के अटैक इतने पावरफुल थे कि आसपास के सारे पोकेमॉन हवा में उड़ जाते थे एंड सारे पोकेमॉन मर भी जाते थे। एंड इनके बैटल को रोकने के लिए वहाँ पे एक पोकेमॉन आया जिसका नाम था रेक्वेजा, एंड उसने अकेले ही ग्राउडन एंड कायोगर के बैटल को रोक दिया। वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेक्वेजा वर्सेस ग्राउडन वर्सेस कायोगर के बारे में, कि इन तीनों में से बेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन कौन है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्लो एंट्रो लगा। ओके मेरे बॉस, इन तीनों पोकेमॉन में से विनर डिसाइड करने के लिए आज के वीडियो के अंदर तीन राउंड होने वाले हैं, बेस स्टैट्स, पोकेमॉन की एबिलिटी एंड फैनमेड बैटल्स। इन तीनों राउंड से हमको हमारे विनर मिल ही जाएगा। अरे यशु, तीन पोकेमॉन होने वाले हैं ना, तो पहले दो पोकेमॉन कौन से जाएंगे? मैंने इस चीज का बंदोबस्त भी कर रखा है। दो पोकेमॉन चूज करने के लिए हम चीट्स का यूज करेंगे। तीन चीट्स होंगे जिनके अंदर इन तीनों पोकेमॉन्स के नाम लिखे होंगे, यानी हम दो पिक करेंगे। चीट्स के अंदर जिन पोकेमॉन का नेम आएगा वो जाएंगे पहले राउंड के अंदर, एंड तीसरा पोकेमॉन बचा हुआ होगा वो फर्स्ट राउंड के विनर से फाइट करेगा बिल्कुल एंड के अंदर। ओके, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आशु। अब वो तो भाई, पहले बैटल के अंदर भिड़ेंगे कायोगर एंड ग्राउडोन। तो पहले हम बात करेंगे कायोगर के बेस स्टैट्स के बारे में। इस राउंड के अंदर हम कायोगर एंड ग्राउडोन की प्राइमल फॉर्म्स को ही कंपेयर करेंगे। प्राइमल कायोगर के स्टेट्स आप स्क्रीन के सामने, आप वीडियो को पॉज करके स्टेट्स को ध्यान से देख सकते हैं। कायोगर के स्टेट्स के अंदर से उसका स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस बहुत ही ज्यादा है, जिसे हमको पता लगता है ये पोकेमॉन स्पेशल अटैकर है। जिनको नहीं पता स्पेशल अटैकर पोकेमॉन कौन से होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, स्पेशल अटैकर पोकेमॉन वो होते हैं जो कि लॉन्ग रेंज के बैटल में बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो बिना पोनेंट को टच किए हुए लॉन्ग रेंज में अटैक करते हैं, जैसे कि थंडरबोल्ट। कायोगर के बेस स्टैट्स के अंदर से उसका डिफेंस एंड स्पीड बहुत ही कम है, जो कि 90 है। एंड ये दोनों चीजें इस पोकेमॉन की वीकनेस है, लेकिन इस पोकेमॉन का अटैक बहुत ज्यादा है, जिससे ये फिजिकल अटैक भी कर सकते हैं। एंड ये फिजिकल अटैक्स किसी हद तक किसी पोकेमॉन को बहुत डैमेज दे सकते हैं। ओवरऑल कायोगर के बेस स्टैट्स बहुत ही फैंटास्टिक हैं। तो हम बढ़ते हैं ग्राउडोन के स्टैट्स की ओर। प्राइमल ग्राउडोन के स्टैट्स आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं। ग्राउडोन के स्टैट्स के अंदर से उसका अटैक एंड डिफेंस बहुत ही ज्यादा है, जिसे आपको पता लगता है पोकेमॉन फिजिकल अटैकर पोकेमॉन है। फिजिकल अटैकर पोकेमॉन वो होते हैं जो कि क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही पावरफुल हो, जैसे कि फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स। अरे वाह क्लो, बहुत सही एक्सप्लेन किया। ग्राउडोन के स्टैट्स में उसका स्पेशल अटैक एंड स्पीड बहुत ही कम है, जो कि इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। एंड इस पोकेमॉन के स्पेशल अटैक के स्टेट्स भी बहुत अच्छे हैं। स्पेशल अटैक 150 होने के कारण ये पोकेमॉन लॉन्ग रेंज में कुछ हद तक टिक सकता है। ओवरऑल ग्राउडोन के स्टेट्स एंड कायोगर के स्टेट्स एकदम सेम है। कायोगर की वीकनेस है क्लोज कॉम्बैट एंड उसकी स्पीड, एंड वहीं ग्राउडोन की वीकनेस है लॉन्ग रेंज एंड उसकी स्पीड, एंड जिस कारण इन दोनों पोकेमॉन्स के बीच में टाई होता है। इस राउंड के अंदर हम पोकेमॉन की एबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस पोकेमॉन की एबिलिटी सामने वाले पोकेमॉन से अच्छी हुई वो इस राउंड का विनर बनेगा। इस राउंड के अंदर हम पोकेमॉन के प्राइमल फॉर्म के एबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मल फॉर्म नहीं प्राइमल फॉर्म। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमल ग्राउडोन की एबिलिटी के बारे में। तो ग्राउडोन की एबिलिटी का नाम है डिसॉल्ट लैंड। यह एबिलिटी एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है फायर एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के लिए। इस एबिलिटी को परफॉर्म करने वाला पोकेमॉन वेदर को कंसिस्ट करके वहां पे गर्मी ला सकता है, एंड ये गर्मी को नॉर्मल गर्मी नहीं होगी, इस गर्मी के अंदर इतनी पावर होगी कि वो इजिली किसी भी स्टोन को पिघला सकता है एंड बड़े से बड़े ओशन को ड्राई कर सकता है। अरे एक्चुअली क्वेश्चन पूछना था। हाँ चल पूछ। चल ठीक है, तो सुन, अगर एक गंजा 2 रुपए में गंजा होता है तो 5 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 2 × 5 = 10 रुपए, पक्का 10 रुपए। अरे बेवकूफ, जब वो गंजे हैं तो गंजे क्यों होंगे? अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, फोरेंसिक लैब ले चलो इसे। अरे हाँ, इस बात में तो पॉइंट है, मैंने सोचा ही नहीं। सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है। चल बहुत बेइज्जती कर ली। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में, समझा?
ग्राउडन की एबिलिटी से उसके ऊपर सारे वाटर टाइप अटैक इम्यून हो जाते हैं, यानी कि वाटर टाइप अटैक उसका एक भी बाल पाका नहीं कर सकते। तो हम बात कर लेते हैं प्राइमल कायोगर के एबिलिटी के बारे में। प्राइमल कायोगर के एबिलिटी का नाम है प्रिमोर्डियल सी। इस एबिलिटी से होता यह है, ये पोकेमॉन जहाँ भी जाए वहाँ पे बैटल को कंसिस्ट करके रेन का मौसम ले आता है, एंड दैट्स वाई इसको वेदर लेजेंडरी पोकेमॉन कहा जाता है। एंड इस एबिलिटी से इसके ऊपर फायर टाइप अटैक इम्यून हो जाते हैं। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो वाटर टाइप पोकेमॉन के ऊपर फायर टाइप अटैक इफेक्टिव नहीं होते, एंड इस एबिलिटी का कुछ खास मतलब नहीं है। अगर हम कंपेयर करें इन पोकेमॉन की एबिलिटी को तो बेस्ट एबिलिटी है ग्राउडन की। बिकॉज ऑफ ग्राउडन जहाँ भी जाता है वहाँ पर ड्राइनेस एंड गर्मी का माहौल बन जाता है, एंड उस गर्मी से कोई भी पोकेमॉन वहाँ पे पिघल जाएगा। एंड ये गर्मी इतनी पावरफुल है कि इजीली किसी भी रेन के बूंदों को भाप बना के उड़ा सकती है, एंड दैट्स वाई इस राउंड का विनर बनता है प्राइमल ग्राउडन। ये राउंड फाइनल राउंड होने वाला है, एंड इस राउंड के अंदर दोनों पोकेमॉन आमने सामने आकर बैटल करने वाले हैं। स्पीड के मामले में दोनों पोकेमॉन के पास एडवांटेज नहीं है क्योंकि दोनों की स्पीड 90 ही है। इफ अगर इन दोनों पोकेमॉन की बैटल क्लोज कॉम्पैक्ट में होती है तो एडवांटेज हमारे ग्राउडन के पास होगा, एंड अगर वहीं ये बैटल लॉन्ग रेंज में होती है तो एडवांटेज हमारे कायोगर के पास होगा। एंड इन दोनों पोकेमॉन की बैटल 20% सिचुएशन पे डिपेंड करती है। प्राइमल ग्राउडन की एबिलिटी से उसके ऊपर वाटर टाइप अटैक्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं पड़ते, एंड प्राइमल का उसकी एबिलिटी के कारण फायर टाइप अटैक इफेक्टिव नहीं पड़ते। कायोगर की यह एबिलिटी बहुत ही अजीब है क्योंकि किसी वाटर टाइप पोकेमॉन के ऊपर कोई पोकेमॉन फायर टाइप अटैक तो नहीं करेगा क्योंकि पहले ही इफेक्टिव नहीं पड़ते हैं, तो इसका कोई फायदा। एंड ये एबिलिटी इस बैटल के अंदर यूजलेस है। प्राइमल फॉर्म में ग्राउडन ग्राउंड एंड फायर टाइप का रहता है, एंड कायोगर प्राइमल फॉर्म के अंदर वाटर टाइप का ही रहता है। ग्राउडन की वीकनेस है स्पेशल अटैक, लेकिन प्राइमल फॉर्म को ना जाने के बाद ग्राउडन का स्पेशल अटैक बहुत ही बूस्ट हो जाता है, एंड यही कंसेप्ट कायोगर के साथ है, उसका फिजिकल अटैक भी बूस्ट हो जाता है। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ इस राउंड के अंदर कौन से पोकेमॉन के पास एडवांटेज है एंड कौन से पोकेमॉन जीतेगा, तो वो ग्राउडन है क्योंकि कायोगर के पास इतने कुछ खास अटैक्स नहीं है ना ही मूव्स हैं, एंड उसकी एबिलिटी भी इस मैच के अंदर एकदम यूजलेस है क्योंकि प्राइमल ग्राउडन के पास एक अटैक है जिसका नाम है सोलर बीम, एंड उस अटैक से वो प्राइमल कायोगर को वन हिट केओ कर सकता है, यानी कि वन हिट में ही हरा सकता है। एंड सोलर बीम के कारण ही ग्राउडन हमारे इस राउंड का विनर बनता है एंड पहुंच जाता है फाइनल्स के अंदर। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं पोकेक्विज के बारे में। नेक्स्ट पोकेक्विज, ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जिसके फॉर्म सीजन वाइज चेंज होते हैं? ये क्विज बहुत टफ है, इसलिए आपको मैं इसका एक हिंट देता हूँ, वो पोकेमॉन यूनोवा से है। अगर आपको उस क्विज का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, एंड अगर आपने सबसे पहले 5 बंदों में आंसर दिया तो अगली वीडियो में आपका नाम मैं अनाउंस करने वाला हूँ, एंड पिछले पोकेक्विज के विनर्स वीडियो को लास्ट के अंदर बताए जाएंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। अब बैटल के अंदर भिड़ने वाले हैं प्राइमल ग्राउडन एंड मेगा रेक्वाज़ा। तो पहले हम बात करेंगे मेगा रेक्वाज़ा के बेस्ट स्टैट्स के बारे में। मेगा रेक्वाज़ा के बेस्ट स्टैट्स आपके स्क्रीन के सामने है, वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं। रेक्वाज़ा के बेस्ट स्टैट्स के अंदर से इसका अटैक एंड स्पेशल अटैक फुल बूस्ट है, एंड डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस भी 100 है, जिससे हमको पता लगता है ये पोकेमॉन क्लोज रेंज में एंड लॉन्ग रेंज में दोनों साइड पावरफुल है। एंड इस पोकेमॉन की स्पीड का तो क्या कहना है, जो 115 है। टोटल इसके स्टेट्स के अंदर से सब चीज़ें ही अच्छी हैं। तो हम बढ़ते हैं प्राइमल ग्राउडन की ओर। प्राइमल ग्राउडन के स्टेट्स के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, अगर आपको चीज़ के बारे में दोबारा जानना है तो स्क्रीन के अंदर शो हो रहे नंबर पे क्लिक कीजिए, एंड 2 मिनट पीछे जाकर उस चीज़ के बारे में जाना ही। तो बारी आती है इस राउंड के विनर डिक्लेयर करने की। अगर हम प्राइमल ग्राउडन एंड मेगा रेक्वाज़ा के स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो मेगा रेक्वाज़ा के स्टेट्स प्राइमल ग्राउडन से ज़्यादा है, एंड इस राउंड का विनर बनता है मेगा रेक्वाज़ा। इस राउंड के अंदर हम इन दोनों पोकेमॉन्स की एबिलिटी को कंपेयर करेंगे, जिस पोकेमॉन की एबिलिटी सामने वाले पोकेमॉन से अच्छी हुई इस राउंड का विनर बन जाएगा। तो ग्राउडन की एबिलिटी के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आपको इसके बारे में दोबारा जानना है तो स्क्रीन के ऊपर शो है मिनट के ऊपर जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं मेगा रेक्वाज़ा की एबिलिटी के बारे में। मेगा रेक्वाज़ा की एबिलिटी का नाम है डेल्टा स्ट्रीम। इस एबिलिटी से होता यह है, मेगा रेक्वाज़ा बादल को कंसिस्ट करके वहाँ पे तेज हवाएं वाला मौसम ला देता है, यानी कि वहाँ पे बहुत तेज हवाएं बहने लग जाती हैं, जिस कारण मेगा रेक्वाज़ा पे आइस इलेक्ट्रिक एंड रॉक टाइप पोकेमॉन इफेक्टिव नहीं पड़ते। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर पोकेमॉन के अटैक्स इम्यून ही पड़ जाए, उनके इफेक्टिव तो पड़ेंगे लेकिन बहुत ही कम। तो हम इन दोनों पोकेमॉन की एबिलिटी पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब बारी आती है इनमें से किसी एक को चुनना, यार ये दोनों एबिलिटी अपनी अपनी जगह पर बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर इनमें से एक चुनने की बात हो तो यार बेस्ट एबिलिटी है प्राइमल ग्राउडन की, क्योंकि ग्राउडन की एबिलिटी से उसके ऊपर सिर्फ ग्राउंड टाइप पोकेमॉन इफेक्टिव पड़ते हैं, जबकि मेगा रेक्वाज़ा पे फेरी एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन इफेक्टिव पड़ते हैं। तो सिंपल इस राउंड का विनर बनता है प्राइमल ग्राउडन। तो ये राउंड बहुत ही इंटेंस होने वाला है क्योंकि दोनों पोकेमॉन के पास एक एक पॉइंट है, एंड जो पोकेमॉन ये राउंड जीत जाता है वो होगा बेस्ट पोकेमॉन।
स्पीड के मामले में मेगा रिक्वेजे के पास एडवांटेज है। वो ग्राउडन के लगभग सारे अटैक्स को डॉच कर सकता है जिससे उसका डैमेज भी बहुत कम हो जाएगा। मेगा रिक्वेजे क्लोज कॉम्बैक एंड लॉन्ग रेंज में दोनों में ही पावरफुल है, जबकि हमारा ग्राउडन क्लोज कॉम्बैक में बहुत ही पावरफुल है एंड लॉन्ग रेंज में भी ठीक ठाक का परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर हम इन दोनों पोकेमॉन्स के मूव सेट की बात करें तो ग्राउडन के मूव सेट बहुत ही अच्छे हैं। ग्राउडन के ज़्यादातर अटैक ग्राउंड फायर एंड ग्रास टाइप के हैं। तो अगर हम बात करें मेगा रिक्वेजे के मूव सेट्स की तो मेगा रिक्वेजे के मूव सेट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। मेगा रिक्वेजे के पास नॉर्मल फ्लाइंग एंड ड्रैगन टाइप पे ज़्यादा अटैक्स हैं। दोनों पोकेमॉन के पास टाइप का एडवांटेज नहीं है इसलिए बैटल आर्या पार की होगी। अगर मैं आपको उस राउंड को क्लियरली एक विनर बताऊँ तो वो है मेगा रिक्वेजा, क्योंकि रिक्वेजा की स्पीड एंड बेस स्टैट्स ग्राउडन से बहुत ही ज़्यादा है एंड मूव सेट्स के मामले में भी रिक्वेजे के पास एडवांटेज है। मेगा रिक्वेजा इतना पावरफुल है कि वो अपने मेगा के फॉर्म में म्यूटू एंड आर्चेस को भी टक्कर दे सकता है। अगर ये बैटल नॉर्मल रिक्वेजा वर्सेस प्राइमल ग्राउडन के बीच में होता तो ऑब्वियसली प्राइमल ग्राउडन इस राउंड के विनर बन जाता, लेकिन मेगा के फॉर्म में रिक्वेजा अनबीटेबल है एंड बेस्ट वैदरिंग लेजेंडरी पोकेमॉन रिक्वेजा ही है। आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब हम बात करते हैं पोकेमॉन के विनर्स के बारे में। सो आज पोकेमॉन के विनर्स हैं लक्ष्य जेन प्रशांत जीत प्रशांत अंकित धारद्वाज निकित वर्धन अंश पनवर। तो बस आपको कोंकू के हमारे पोकेमॉन के विनर्स हैं। तो अगर आपने पोकेमॉन मिस कर दिया तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, आपको कहीं ना कहीं पोकेमॉन मिल ही जाएगा। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है 10-12 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 वीक लगते हैं एंड 2 वीक में लगातार मेहनत करना कितना टफ है यार। तो यार इस वीडियो के लिए यार 1 लाख तो बनता है इतनी मेहनत के लिए एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों से टाटा बाय बाय। अब आउटरो लगा यूट्यूब वीडियो पर वर्क करते हैं।